सूत्री मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ताओं ने मशरक पीएससी परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए कोरोना काल की सेवा राशि तथा मानदेय भुगतान को लेकर जारी रहेगा संघर्ष ऐसा कहा। आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाया सरकार विरोधी नारे। मशरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता ने धरना व प्रदर्शन बुधवार को करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाते हुए अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। उनकी 9 सूत्री मांगों में मासिक मानदेय 20,000 रूपए प्रतिमाह करने, कोरोना काल की ड्यूटी के लिए आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फैसिलिटेटर को 10,000 रूपए कोरोना भत्ता देने, निर्धारित पोशाक देने, पूरे माह का भ्रमण भत्ता देने, कोरोना से मृत आशाओं एवं फैसिलिटेटर को राज्य योजना का 4 लाख तथा केंद्रीय बीमा योजना का 50 लाख राशि अविलंब भुगतान करने, सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन तथा रिटायरमेंट पैकेज के रूप में 10 लाख रूपए एक मुश्त भुगतान करने आदि मुख्य है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती तो अनिश्चितकालीन धरना व प्रदर्शन जारी रहेगा। विदित होगी अनिश्चितकालीन धरना व प्रदर्शन आशा संयुक्त संघर्ष मंच पटना के निर्देश पर शुरू किया गया। इस आशय की जानकारी मुख्यमंत्री बिहार पटना, स्वास्थ्य मंत्री बिहार पटना, मुख्य सचिव बिहार पटना, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना, बिहार सरकार पटना को पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है। तो आपको बताते चले, 9 सूत्री मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ताओं ने मशरक पीएससी परिसर में धरना प्रदर्शन किया है और सरकार विरोधी नारे लगाए हैं और कोरोना काल की सेवा राशि तथा मानदेय भुगतान को लेकर बताया है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हमारा ऐसे ही धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। आपको बताते चले, मशरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फैसिलिटेटर ने धरना व प्रदर्शन बुधवार को करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो हमारा जो धरना है वो अनिश्चितकालीन जारी रहेगा और सरकार विरोधी नारे भी लगाए हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। सर, हम लोग को आज 7वें दिन हो गया धरना पर बैठे हुए, लेकिन सरकार अभी तक सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं है। सर, यहाँ हम लोग ओपीडी और इमरजेंसी और आरआई सब काम सब किए हैं, फिर भी सरकार को थोड़ा सा भी नहीं है कि मरीज लोग आ रहा है। इसके लिए हम लोग को भी मलाल है, दर्द है कि हमारे गांव का ही मरीज लोग आ रहे हैं दिखाने के लिए और उन लोग को लौटना पड़ रहा है। इस बात पर हम लोग को भी खेद है कि हम दुख है कि हमारे गांव का ही सब लोग हमारे गांव जवाब टोला महाला का आ रहा है, लेकिन हम लोग भी क्या करें सर, हम लोग का भी पेट का सवाल है। मान लीजिए हम लोग आशा बहने काम करती है, इन लोग को 1,000 रुपया सरकार देती है, 1,000 में ये लोग अपना घर परिवार चलाएगी कि मान लीजिए इन लोग को क्या करेगी। अब उसमें हम लोग भी आशा फैसिलिटेटर बहनों को भी 30 दिन काम करवाया जाता है और 20 दिन का पैसा देते हैं, बताइए उस दिन उससे हम लोग का बाल बच्चा का पालन पोषण पढ़ाई लिखाई कैसे होगा इतना महंगाई के दौरान। इसीलिए हम लोग सरकार से 9 सूत्रीय मांग किए हैं, सरकार हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करे और हमारी मांग पूरी करे। अगर सरकार हम लोग को कोई सुनवाई नहीं करेगी, जब तक सरकार हम लोग के मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग ऐसे ही भूखे प्यासे हड़ताल पर बैठे रहेंगे। सरकार को थोड़ा सा भी हम लोग के लिए, हम लोग जितना भी स्वास्थ्य का काम है सब हम ही लोग करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, जितना सरकार सब लोग को टीबी का दवा, फलेरिया, मन जितना भी स्वास्थ्य से जुड़ा काम है सब आशा बहने और आशा फैसिलिटेटर करती है। इस पर थोड़ा सा भी सरकार को दया नहीं आ रही है कि हाँ हमारे स्वास्थ्य मम्मी को कुछ इनके लिए किया जाए। जब तक सरकार हम लोग का मांग नहीं पूरा करेगी तब तक हम लोग यहीं से धरना पर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। देखते हैं हमारे सरकार को कब दया आती है।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।